दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पंवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 5 डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहां हम आज रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहां पे मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, सबसे पहला आता है इसमें ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। देखिए, ऑक्साइड फॉर्म दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म बाई रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर। यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन का एट हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड्स बनता है। अब एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज करता है, जो उसकी पोलराइजिबिलिटी है वो बढ़ेगी। और पोलराइजिबिलिटी बढ़ी यानी पोलराइजिंग पावर जो बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर जहाँ बढ़ रहा वहाँ तो आयनिक कैरेक्टर सिंपली डिक्रीज ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए, यहाँ पे द वेल कैरेक्टरिस्टिक सी आर ओ इस बेसिक, वहीं Cr2O3 इस एम्फोटेरिक। यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो पहले यह लिखा। आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ये क्यों छोड़ दिया। देखिए, इनमें कोई वैलिडेट क्वेश्चन ज़्यादा बनने की कोशिश है नहीं। बाकी जहाँ से पूछा जाना है या पूछा जा चुका है वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता कैसे? इट इज़ ऑब्टेंड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। यानी क्रोमाइट ओर को सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया इन फ्री ऑक्सीजन या फ्री एयर, जहाँ पे ये सोडियम क्रोमेट या पोटेशियम क्रोमेट बना। देखिए, अब ये जो सोडियम क्रोमेट है इसका कलर होता है येल्लो। अब जब एसिडिकफाइड यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है सोडियम क्रोमेट में, यानी एसिडिक सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। जब क्रोमेट की एक बात खासियत है कि जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में होता है तो वो येल्लो से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो डाइक्रोमेट होता है सोडियम डाइक्रोमेट, उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। यानी अब ये ऑरेंज कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट का कलर होता है। आगे, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में एक्वस सॉल्यूशन, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज़्यादा होती है। एंड जो इट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा के सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। डिपेंड करता है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है। देखिए, कभी एसिडिक है तो मैंने बताया येलो से ऑरेंज यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं जब बेसिक रिएक्शन होता है या बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन में ऑरेंज यानी डाइक्रोमेट से येलो क्रोमेट तक, सोडियम क्रोमेट तक या पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जो क्रोमेट है, क्रोमेट आयन के जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल हेडल होता है। वहीं डाइक्रोमेट भी दो टेट्राहेड्रल से मिलकर बनता है, जहाँ पे सी आर में ऑक्सीजन से के थ्रू बॉन्ड बनता है, जिसका बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। जो सोडियम सोल्ट होता है उसकी ग्रेटर सोलिबिटी है। पहले बताया सोडियम सोल्ट की सोलिबिटी वाटर में पोटेशियम सोल्ट से ज़्यादा होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी के कारण जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है विच इज़ यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी क्या होता है कि जब सोडियम डाइक्रोमेट या सोडियम जो आयन होता है सोडियम सोल्ट होता है उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसको क्रिस्टलाइज करना प्रॉब्लम होती, दिक्कत आएगी। वहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में कम होती है, इसलिए उसे जो क्रिस्टलाइज करना आसान हो जाता है। और इसी के कारण इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करी जाए। अब यहाँ पे एक बात, द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे रिएक्शंस में मैंने बताया, रिएक्शन मैंने समझा रहा हूँ। स्टेनिक जो स्टेनस है उसको स्टेनिक या टिन जो होता है, टिन प्लस टू को टिन प्लस फोर में कन्वर्ट कर दिया। वहीं आयरन फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया।
ये सब हाफ रिएक्शन है, इसको भी फुल रिएक्शन में जैसे बात करिए तो जो डाइक्रोमेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है, तो +6 से एसिडिक जो एसिडिफाइड रिएक्शन होता है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है, उसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं फेरस को फेरिक में, आयोडाइड को आयोडीन में, एंड टिन +2 को टिन +4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नया अगला टॉपिक पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर लें। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट बनता कैसे, पहले वो बात कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को का रिएक्शन करवा दिया जाता है एल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड में, इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, या फिर ओपन एयर में भी किया जा सकता है। आखिर आप समझेंगे कैसे, लेबोरेटरी या फिर जो लेबोरेटरी, देखिए अब इसको कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो समझेंगे। कॉमर्शियली इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई या प्रिपेयर्ड बाई एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट +6। अब ये बात मैंने कब बोली थी कि विथ एयर, कहाँ बोला, तो ये यहाँ बोला था। देखिए अब जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसको पहले मैग्नेट में कन्वर्ट किया जाता है, मैंगनेट में कन्वर्ट किया जाता है आयन में, मैंगनेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। अब जब इसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसका जो इसका क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन हो गया तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में चल गया, जहाँ पे ये परमैंगनेट आयन बन जाता है। अब जो यहाँ पे फ्यूज्ड KO चाहिए अल्काली होता है, जिसको विद ऑक्सीडाइज विद एयर या KNO3, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे एयर के साथ भी हम कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी की बात कर लीजिए, हमने पहले कमर्शियल स्टेज पर बात कर ली, अब हम लेबोरेटरी बात करते हैं। तो जो मैग्नीज सॉल्ट होता है, यानी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडाइज बाई परोक्सो डाइसल्फेट आयन होता है, या इसको सीधी बात करें तो परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे रिएक्ट करवा के इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहाँ पे ये परमैंगनेट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात, परमैंगनेट की बात कर लेते हैं। तो इसका इंटेंस कलर होता है, इसका इंटेंस कलर होता है, और इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट विद पैरामैग्नेटिज्म, यानी यहाँ पे डिपेंडेंट डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीन मैग्नेट पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि उसका यहाँ पे उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण पैरामैग्नेटिक होता है, इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रीन कलर में। वहीं हम जब बात कर लेते हैं परमैग्नेट की, तो अनपेड वहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके कारण वो डायमैग्नेटिक होता है। आगे बढ़ते हैं, एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन जो होता है वो ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइड को नाइट्राइट में, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। जो हाफ रिएक्शन वो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये रिएक्शन जो मैंने अभी बोला कि ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, आयोडीन को आयोडीन में। अब जैसे यहाँ पे यही बात समझाइए, एसिडिक सॉल्यूशन में तो मैंने आयोडीन को जो होता है आयोडाइड को आयोडीन में, अब एसिडिफाइड सॉल्यूशन में जो परमैंगनेट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा, जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा परमैंगनेट, जैसे फेरस और फेरिक कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं जो सल्फ्यूरस एसिड है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में या सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इन सब में जो एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी। अब जब न्यूट्रल या फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात कर लें, जो लूज या फिर जो न्यूट्रल एल्कलाइन, मतलब बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नहीं होता, उसकी बात कर ली जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है परमैंगनेट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड है वो भी आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। यहाँ पे जब हम यह बात कर रहे हैं न्यूट्रल या फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं या फ्रेंडली एल्कलाइन, उनमें बात करें तो आयोडीन आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी IO3 नेगेटिव में। वहीं थायोसल्फेट को इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट, यानी जो थायोसल्फेट है उसको थायोसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वहीं मैग्नेस सॉल्ट को MnO4 में कन्वर्ट कर देता है, यानी Mn+2 को Mn+4 में कन्वर्ट कर देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड कैटालाइसिस द ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मतलब जिंक सल्फेट के प्रेजेंस में ये सब चीज़ें होती है। जो परमैंगनेट परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्ट्री, कारण क्या होता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में। अब मैंने बोला आयोडीन को आयोडेट में कन्वर्ट, जो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, तो क्लोराइड को क्लोरेट में कन्वर्ट करता है या क्लोरीन में कन्वर्ट करता है, क्लोरेट में नहीं क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है। आगे यूसेज तो हम पढ़ लेंगे। अब यूसेज के बाद सबसे पहले आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ए ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। इनमें दो सीरीज होती है, एक लेंथेनोट सीरीज, एक एक्टिनोट सीरीज। लेंथेनोट सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट होती है, 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। वहीं एक्टिनोट सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, 14 एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेंथेनोट्स की बात कर ली जाए तो देखिए, जो उनको इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की बात की जाए तो सब में 6s2 कॉमन होगा। अब जो चेंज आएगा वो 4f सीरीज में आएगा, जहाँ पे 4fn होता है, तो n में 1 to 14 की वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से आयन की बात कर रहे हैं, कौन से एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राइपॉजिटिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनोइड की, मोस्ट
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन भी यही होती है। अब जो एटॉमिक साइज की बात करी है, देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट एक सीरीज में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता है। कारण इसका इसके कारण क्या होता है कि एटॉमिक साइज में डिक्रीमेंट होता है, इसे लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या होता है, तो वो होता है उसका कारण होता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लेंथ ऑफ नोड की बात कर ली जाए तो यहाँ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण क्या होता है, 4f शील्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जो शील्डिंग होती कमजोर है, शील्डिंग कम तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस तो कम ही होगा। आगे बढ़ते हैं कि जो लेंथ ऑफ नोड कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होता है उन दोनों में सिमिलरिटी होती है रेडियस में, जैसे जर्कोनियम और हाफनियम में सिमिलरिटी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर ली जाए, देखिए दिस जो लेंथ ऑफ नोड्स है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत वेरिएबिलिटी शो करते हैं। कारण होता है जो 4f है 6s2, 4f 5s2, और जो 4d या नहीं 4d नहीं, यहाँ पे बात कर दी जो 5d की बात कर लीजिए, 4f है 5d की बात कर लीजिए। तो इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें क्या होता है कि वेरिएबल जो एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है 6s2 4f इनमें, इसके कारण क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड जो इरेगुलरिटी शो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल। देखिए क्या होता है कि जो एफ सबसेल होती है वो फुल फील्ड भी हो सकती है, हाफ फील्ड भी हो सकती है, या खाली भी रह सकती है। तो इनमें क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की प्रोवाइड हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनमें वेरिएबिलिटी शो होती है। जैसे सीरियम+4 है, सीरियम+4 जब होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये यहाँ पे स्टेबल है, बट सीरियम+4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके कारण अब यही बात आ जाती है सीरियम+4 में, जैसे क्या होता है सीरियम+4 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिवर्ट कर देगा अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। वहीं यूरोपियम+2 ये पूछा जाता होगा, यूरोपियम+2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कारण क्या होता है कि जब यूरोपियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड एफ सबशेल, इसके कारण वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। वहीं इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। अब यहीं YB+2 होता है, YB+2 में क्या होता है कि जब YB+2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड एफ सबशेल हो जाता है फुल फील्ड, इसके कारण ये स्टेबल ज़्यादा होता है। वहीं हम बात करते हैं आगे बात आ जाती है एक और, अब जैसे सीरियम यहाँ पे टेबल देखिए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यहाँ पे लेंथनम्स की बात के लिए लेंथ नोड्स की बात कर ली जाए तो देखिए पूरी सीरीज में सिर्फ सीरियम गैंडोलियम और ल्यूटियम ल्यूटेशियम है, इन तीनों में ही 5d1 आएगा, बाकी किसी में नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि 5d1 किन किन में होता, तो सीरियम गैंडोलियम और ल्यूटियम है। अब आगे बढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से कोई बहुत मेजर क्वेश्चन बनता नहीं इसलिए इनको मैंने स्केप किया है। यहाँ से देखिए सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं जो लेंथेनोइड्स होते हैं अदर देन लेंथेनम +3 एंड सीरियम+4, इनमें क्या होता है कि जब इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F0 होता है या इसमें F होते ही नहीं, तो ये क्या होते हैं कि डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, अब क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। वहीं हम बात करते हैं F14 में जैसे YB+2 या ल्यूटियम+3, तो इनमें भी क्या होता है जब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता पैरामैग्नेटिज्म की बात ही नहीं होती। बाकी अदर जो भी आयंस होते जो भी एटम्स होते उनमें जिनके उनमें ये कंडीशन होती है कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। बाकी ये सब जो मैंने बताया जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और जीरो कॉन्फ़िगरेशन की बात करती है वहाँ पर डायमैग्नेटिज्म होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेंथ नोड इज अराउंड 600 किलो जूल, वहीं सेकंड जो होती है वो 1200 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि कंपेरेबल होती है आयनाइजेशन फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी ऑफ कैल्शियम। यानी जो कैल्शियम की फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी है वो कंपेरेबल होती है। अब इसके कारण क्या होता है जो अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज जो लेंथ नोड सीरीज के अर्लियर मेंबर है वो बिहेव करते उनकी जो रिएक्शन होते वो सिमिलर होते कैल्शियम की तरह। वहीं जब हम अदर मेंबर्स की बात करते हैं, शुरुआत वाले मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाद वाले मेंबर्स की बात करते हैं जो आखिरी में होते हैं, इनके जो बिहेवियर होता है रिएक्शन का वो ऑलमोस्ट जो रिएक्शन होता है शो करते हैं एल्यूमिनियम की तरह। अब जैसे लेंथेनम, अब यहाँ से रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो लेंथेनम जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो Al2O3, वहीं एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन निकाल देंगे बाहर, वहीं हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो LnX3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये जैसे हाइड्रोक्साइड वाटर से हाइड्रोक्साइड बन गए, कार्बाइड्स बन गए, नाइट्राइड बन गए, अब Al2S3 सल्फर से हीट कर दिया तो यहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस्ड मेटल, एक कंसेप्ट आता है मिस्ड मेटल की बात करते हैं तो देखिए उसमें 95% लेंथेनोइड मेटल होता है। अब उसमें लेंथेनोइड मेटल में 5% आयरन मिला दिया जाता है और कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम मिल जाते हैं। अब इन सब से क्या होता है कि एक मिस्ड मेटल की फॉर्मेशन हो जाती है और जो कि यूज होता है मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय में, जहाँ गन की बुलेट या उनकी शेल या लाइटर फ्लिंट में बनाने में यूज़ होता है। ये बहुत अच्छे काम में बहुत सारे काम में यूज़ आते हैं। अब एक्टिनोइड्स की बात कर लेते हैं, एक्टिनोइड्स का हम कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, इसको याद करने की ज़रूरत
कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। अब जैसे जो एक्टिनोड्स होते हैं मोस्टली मैनमेड होते हैं, इसलिए वो रेडियो एक्टिव होते हैं। आगे बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे भी जैसे लेंथेनोड्स में यूज़ हुआ कि वहाँ पे 6s2 में 6s2 कॉन्स्टेंट है और वेरिएबिलिटी 4f में आती। वहीं यहाँ पे भी जब 7s2 में कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलर 7s2 कॉमन है, वहीं जो वेरिएबिलिटी आती है वो 5d और 6g सबशेल्स में ही आती है। आगे बात करते हैं आयनिक साइजेस की। देखिए यही यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल। इसके कारण यहाँ पर भी एक्टिनोइड कंट्रैक्शन की बात आ जाती है, और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेंथेनोइड कंट्रैक्शन के कारण, क्योंकि जो 4f सबशेल होती उनकी पुअर शील्डिंग तो होती पर उससे ज़्यादा पुअर शील्डिंग 5f सबशेल की होती, यानी उससे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 5f सबशेल्स में। इसके कारण जो रिडक्शन इन एटॉमिक साइज है वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेंथेनोइड्स। इसी के कारण एक्टिनोइड जो कंट्रैक्शन है, जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात आते हैं ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका कारण जैसे पिछले उसमें भी आया था कि 4f 5d एंड 6s की जो एनर्जी लेवल है वो कंपेरेबल होती है, इसी का कारण वहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। वहीं जब बात आ जाती है एक्टिनोड्स की, तो वहाँ पे भी 5f 6d और 7s लेवल में कंपेरेबल एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसके कारण क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाती है। अब इनकी भी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होती है। वहीं फर्स्ट हाफ के जो सीरीज के जो फर्स्ट हाफ के जो मेटल होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वहीं जो बाद में सक्सीडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लिए वही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपेरिजन लेंथेनोइड्स में कर लेते हैं। देखिए जो लेंथेनोइड है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट के काम करते हैं। जब उनको फाइनली डिवाइड कर दिया जाता है, फाइनली डिवाइडेड होते हैं, तब वो और अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए यहाँ कोई अंडरलाइन किया नहीं है। आगे बात आ जाती है नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनोइड सीरीज विच इज़ वेल नोन फॉर एग्जिबिट प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनोइड में एक ही प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सीरियम जहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। वहीं यूरोपियन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, YB प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब सब एप्लीकेशन ऑफ DNA ब्लॉक एलिमेंट्स बात कर लेते हैं। जैसे जो स्टील और आयरन की बात करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन मेटल्स में। देखिए आयरन और स्टील के कारण हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आयरन और स्टील का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। यूटेंशियल्स जो बनते हैं स्टील के बनते हैं, अलॉय, मतलब स्टील का कहीं ना कहीं यूज़ होता है उनमें। वहीं हम कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग हमारी बनती है तो वहाँ पर आयरन का यूज़ होता है, आयरन पिलर्स बनते हैं। आगे बढ़ते ग्रुप 11 एलिमेंट्स को कोइनेज मेटल्स कहा गया। वहीं अब आगे बढ़ते UK में जो कॉपर कॉइंस यूज होते हैं वो बने किसके होते हैं, कॉपर या कोटेड स्टील के बनते हैं। वहीं कभी हम UK में सिल्वर कॉइंस की बात कर ले तो कॉपर या निकल का अलॉय होता है। अलॉय मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया क्या है, अलॉय एक मेटल्स का मिक्सचर होता है कंपेरेबल साइज का, कंपेरेबल रेडियस के मेटल्स का मिक्सचर, उसे अलॉय कहा गया। आगे बढ़ते हैं V2O5 यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। वहीं जिगलर कैटलिस्ट TiCl4 विद LCl होल थ्राइस, ये यूज़ होता है पॉलीथीन में के मैन्युफैक्चर में। वहीं आयरन यूज़ होता है हैबर्स प्रोसेस में इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। एंड निकल कैटलिस्ट यूज़ होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट में एंड वेकर्स में। इथेनल को इथाइन को इथेनल में कन्वर्ट करने के लिए PdCl2 का यूज़ होता है। वहीं निकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में यूज़ होता है। और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री भी रिलाइज करती है स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR पे, यहाँ पे रिलाई करती है। अब इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।